नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन कर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमिऊण जिणं वीरं अनंतवर्णान दंशन सहावं ओच्छामिणियं सारं केवली शुद्ध केवली भंगं। नियम सार की 43 नंबर की गाथा है। दो इसमें ये यहां तक हो गया था अपना, ये निशरीर वाला हो गया था, है ना। अब इसके बाद आगे, इससे आगे अब आज निरालंब की चर्चा करते हैं। निश्चय से परमात्मा को पर द्रव्य का अवलंबन न होने से आत्मा निरालंब है। निरालंब क्यों है कि किसी पर द्रव्य का आलंबन नहीं है, आलंबन नहीं है, आलंबन की आवश्यकता भी नहीं है और आलंबन है भी नहीं। तो ऐसा पर द्रव्य की आलंबन का नहीं होने के कारण आत्मा निरालंब है। अज्ञानी भले ही मानता हो कि मुझे देवशास्त्र गुरु का आलंबन है या घर परिवार का आलंबन है, समाज का आलंबन है, इसका आलंबन है, उसका आलंबन है, लेकिन सच में आत्मा को कोई आलंबन नहीं है, इसलिए आत्मा निरालंब तत्व है ना। अब इसके बाद देखो निराग की व्याख्या करते हैं, बहुत अच्छा। मिथ्यात्व वेद राग द्वेष हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा क्रोध मान माया लोभ नामक और लोभ नामक 14 अभ्यंतर परिग्रहों का अभाव होने से, 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह गिनाए इन्होंने। तो सबसे पहला परिग्रह है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व आत्म स्वभाव को नहीं है, लिखे ना मिथ्यात्व का। वेद 3 प्रकार के, राग और द्वेष, और उसके बाद हास्य रति आदि जो 9 कसाएं है ना, हास्य रति अरति शोक भय जिगुप्सा, और 3 वेद पहले आ गए, ऐसे 9 कषाय हो गई। और क्रोध मान माया और लोभ, वैसे तो राग और द्वेष में क्रोध मान माया लोभ का अंतर्भाव हो जाता है, क्रोध और मान वो द्वेष में आता है और माया और लोभ राग में आती है। फिर भी विशेष ध्यान आकर्षण के लिए राग द्वेष और इसके साथ इन 9 कषायें ली, वेद को अलग लिया और 4 कषायें क्रोध मान माया और लोभ, ठीक है ना, ये सब नामक 14 अभ्यंतर परिग्रहों का अभाव होने से। बहिरंग परिग्रह तो आत्मा को है ही नहीं, और अभ्यंतर परिग्रह का भी वास्तव में आत्म स्वभाव में अभाव है, तो उसमें अभाव होने से आत्मा निराग है। निराग है मतलब आत्मा में राग रहित है, आत्मा निराग राग रहित है। उसके बाद निश्चय से समस्त पाप मल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ। क्या कहा यहां पे, समस्त पाप मल कलंक रूपी कीचड़, ये पाप मल कलंक में वही अर्थ सब जगह लगेगा, पाप मल कलंक। पाप माने पुण्य और पाप, दोनों को पाप शब्द से कहेंगे, तो वो कहते हैं कि वो मल है वो कलंक है, पाप मल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ। सहज परम वीतराग सुख समुद्र में मग्न अर्थात डूबी हुई लीन प्रगट सहजावस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर, उसके द्वारा पवित्र होने के कारण आत्मा निर्दोष है। यानी आत्मा निर्दोष है ये बात सिद्ध करनी है। तो निर्दोष के लिए उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया है कि समस्त पाप मल कलंक रूपी कीचड़। देखो
पाप तो कलंक है ही, लेकिन पुण्य भी कलंक है। पाप मल कलंक, पाप मल कलंक, तो पाप मल कलंक जहां शब्द आता है ना नियम सार में, तो नियम सार में पुण्य और पाप दोनों के लिए पाप शब्द आता है। तो पाप है वो मल है, पुण्य है वो मल है, वो कलंक है आत्मा के लिए, कलंक की बात है। पुण्य पाप में पाप कर्म, पाप का परिणाम वो तो आत्मा के लिए कलंक है ही, लेकिन सच में पुण्य का परिणाम भी आत्मा के लिए कलंक है, कैसा भी हो, समस्त। तो उसको कहा पाप मल कलंक रूपी कीचड़। जैसे कीचड़ को धो डालने में कौन होता है, जैसे पानी होता है ना, तो कीचड़ को धो डालने में समर्थ होता है, तो इसी तरह भगवान आत्मा पाप मल कलंक रूपी कीचड़ को धो डालने में समर्थ। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वभाव में तो पाप मल कलंक है ही नहीं, और ऐसे स्वभाव का अवलंबन लेवे तो पर्याय में भी पाप मल कलंक धुल जाता है, अर्थात पर्याय में भी उस पाप मल कलंक की अस्थि नहीं रहती है ऐसा, तो धो डालने में समर्थ। फिर तीसरे आगे विशेषण दिया, सहज वीतरा, सहज परम वीतराग, सुख समुद्र में मग्न अर्थात डूबी हुई लीन, प्रगट सहज अवस्था रूप, जो सहज ज्ञान शरीर आया, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। तो यहां पर क्या शब्द का प्रयोग किया कि सहज परम वीतराग, सुख समुद्र में मग्न, मग्न माने डूबी हुई अर्थात लीन, ये लीन पर्याय की बात नहीं है, ऐसा ऐसी सहजा सहजावस्था स्वरूप जो सहज ज्ञान शरीर है, जो अपने स्वभाव में डूबा हुआ है, अपने सुख समुद्र में डूबा हुआ है, उसके द्वारा पवित्र होने से होने के कारण आत्मा कैसा है, तो कहते हैं कि आत्मा निर्दोष है, अर्थात आत्मा में कोई दोष नहीं लगा, ठीक है, आत्मा सदा काल निर्दोष है, और निर्दोष का कारण ये उन्होंने दिया। फिर आगे लिखा सहज निश्चय ऐसे, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र, सहज परम वीतराग सुख। क्या कहा, सहज निश्चय ऐसे, सहज ज्ञान, सहज निश्चय ऐसे माने परम शुद्ध निश्चय ऐसे, सहज ज्ञान यानी त्रिकाली ज्ञान, सहज दर्शन यानी त्रिकाली दर्शन, सहज चारित्र यानी त्रिकाली चारित्र गुण, और सहज परम वीतराग सुख माने सुख स्वरूप जो गुण है आत्मा का, ऐसे आदि अनेक परम धर्मों के आधारभूत। ये चार के तो नाम गिना दिए, और चार के नाम गिनाने के बाद कहा ऐसे अनेक परम धर्म, धर्म माने जिसको आत्मा धारण करता है उसको बोलते हैं धर्म, धर्म माने वो मोक्ष मार्ग की वीतरागी पर्याय का नाम, वो यहां पे चर्चा नहीं है, धारण करे उसका नाम धर्म। तो आत्मा इन गुणों को धारण करता है, अर्थात आत्मा इन गुणमय है, तो ऐसे अनंत ओके, ये चार के नाम गिनाने के बाद कहा आदि अनेक परम धर्मों के आधारभूत निज परम तत्व को जानने में समर्थ होने से आत्मा निर्मूढ़ अर्थात मूढ़ता रहित है। ये दसवें जो अपनी गाथा आई थी उपयोग की, तो उस उपयोग की गाथा में ये प्रकरण आया था। क्या प्रकरण आया था कि ध्रुव को जानने वाला ध्रुव ज्ञान ध्रुव रूप है ना, त्रिकाल को जानने वाला त्रिकाल ज्ञान त्रिकाल विद्यमान है, यानी ध्रुव में ध्रुव का प्रतिभास। तो ये निर्मूढ़ के दो अर्थ करेंगे इसमें, एक अर्थ करेंगे द्रव्य वाला ध्रुवता वाला, और दूसरा अर्थ करेंगे पर्याय वाला। आ गया, तो ये सहज निश्चय ऐसे, फिर से लो ये उपसर्ग को बोल दो भैया थोड़ा, सहज निश्चय ऐसे, सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज चारित्र और सहज परम वीतराग सुख आदि अनेक धर्मों का आधारभूत, अनेक धर्मों का आधारभूत, जो अनेक धर्मों का आधार, मतलब द्रव्य आधार होता है ना,
और वो गुण होते हैं उसमें आधे, आधार आधे माने द्रव्य आधार और गुण आधे, जिसके आधार से रहते हैं, जिसके आधार से रहते हैं वो हुआ आधार, और जो रहते हैं वो हुए आधे। तो अनंत गुण वो हुए आधे और द्रव्य हुआ उनका आधार। तो ऐसा जो अनंत गुण का आधारभूत कौन, निज परम तत्व। अनंत गुण का आधार कौन है, तो अनंत गुण का आधार है निज परम तत्व। तो उस निज परम तत्व को जानने में समर्थ होने से आत्मा निर्मूढ़ है। ये हुई त्रिकाली निर्मूढ़ता की बात, मतलब वो उसमें मूढ़ता है नहीं, त्रिकाली आत्मा मतलब ऐसे अनंत गुणों के आधारभूत आत्मा को आत्मा जानने में समर्थ है। ये तो हुई त्रिकाली की बात, अथवा अब ये तो हुई त्रिकाली की बात, अब अथवा कहकर के एक दूसरा अर्थ और करते हैं निर्मूढ़ता का, अथवा सादी अनंत। देखो ऊपर अपन ने त्रिकाली अर्थ कैसे किया था कि एक तो सहज निश्चय ने शब्द आया था, तो सहज निश्चय ने जहां शब्द आता है वो परम शुद्ध निश्चय ने है, और परम शुद्ध निश्चय ने का विषय कोई पर्याय नहीं होती, एक बात। दूसरा सहज ज्ञान सहज दर्शन की चर्चा आई, तो वो जो ऐसा जो तत्व है जिस जो त्रिकाली गुणों का आधारभूत तत्व है ना, उसको जानने में समर्थ। तो एक बात तो ये आई, और दूसरी यहां पर सादी अनंत कहकर के ये पर्याय की बात हो गई। क्यों, क्योंकि गुण कभी भी सादी अनंत नहीं होते, द्रव्य कभी भी सादी अनंत नहीं होता, पर्याय। दूसरा अर्थ, एक अर्थ किया मूढ़ का द्रव्य द्रव्य को जानने में समर्थ है, अनंत गुणों का आधारभूत आत्मा आत्मा को जानने में समर्थ है, मतलब वो त्रिकाल त्रिकाल मूढ़ता रहित है, स्वरूप कैसा है त्रिकाल स्वरूप मूढ़ता रहित है, और उस त्रिकाल स्वरूप का आश्रय करे तो पर्याय में मूढ़ता रहित की दशा प्रकट होती, उसका भी यहां पर ज्ञान करा रहे हैं। अथवा कहकर के मैंने मूढ़ता निर्मूढ़ शब्द में से टीकाकार मुनिराज ने दो अर्थ निकाले, एक द्रव्य रूप त्रिकाल निर्मूढ़ स्वरूप है, और एक उसके आश्रय से जो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती है, तो केवल ज्ञान की पर्याय होने पर उसको भी निर्मूढ़ कहते हैं। तो वो यहां पर अर्थ लिया, अथवा कहकर के लिया, मतलब एक अर्थ तो वो अथवा वो निश्चय से, और एक ये दूसरा अर्थ, तो वो त्रिकाली द्रव्य का अर्थ और ये पर्याय का अर्थ आ गया, ये व्यवहार का। तो यहां पे कहा सादी अनंत मतलब प्रकट हुआ लेकिन अब उसका कभी अंत नहीं आएगा, वो कौन होता है, छायिक पर्याय होती ना, केवल ज्ञान की पर्याय होगी, छायिक पर्याय होगी, आ गया। तो सादी अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, अमूर्त है और कैसा है, अतीन्द्रिय स्वभाव वाले, शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय से, ये किस नय का विषय है, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का विषय है। क्यों, पर्याय हुई ना, केवल ज्ञान पूर्ण पर्याय हुई, छायिक भाव रूप पूर्ण पर्याय हुई, तो छायिक भाव रूप पूर्ण पर्याय हुई तो वो शुद्ध पर्याय है और अपने में अपनी पर्याय है, सद्भूत और व्यवहार नय मैंने भेद है, तो वो व्यवहार नय से तीन काल तीन लोक के, तीन काल और तीन लोक के स्थावर जंगम स्वरूप। ये स्थावर जंगम स्वरूप का मतलब क्या होता है, कि जो स्थिर रहते हैं और जंगम माने जो गमन करते हैं, स्थावर का मतलब यहां वो त्रस स्थावर वाली बात नहीं है, हाँ ये इसीलिए बोल रहे, इसीलिए अर्थ कर रहा हूं कि स्थावर जंगम, तो स्थावर माने एक इंद्रिय, ऐसा नहीं स्थिरता, स्थिर हो चाहे गमनागमन करते हो, स्थिर हो उनको बोलेंगे स्थावर, और गमनागमन करते हैं उसको बोलेंगे जंगम। जैसे क्या है, सभी आगे, हां मतलब बाकी तो सभी जंगम है, स्थावर है, जीव पुद्गल में चक्कर पड़ता है, जीव जब वो गमन करता है, जैसे वहां पे लिया कि अरियंत भगवान की प्रतिमा, अरियंत भगवान साक्षात अरियंत परमात्मा हो तो उनको स्थावर प्रतिमा कहना कि जंगम प्रतिमा कहना, अष्टपावड़ में है बोध पावड़ में पूरा ये प्रकरण। तो उन्होंने कहा कि जब वो स्थिर हैं तो वो कहलाएंगे स्थावर प्रतिमा,
और जब वो गमनागमन माने विहार वगैरह होता है उनका, तो वो कहेंगे, उनको कहेंगे जंगम प्रतिमा। सिद्ध परमात्मा जंगम प्रतिमा, लेकिन एक समय के लिए, सॉरी स्थावर प्रतिमा, लेकिन एक समय के लिए जंगम। कब? जब यहां से सिद्ध अवस्था हुई और सिद्ध अवस्था यहां से होने पर वो गमन किया उन्होंने ऊर्ध्वगमन करके, तो एक समय के लिए उनका गमन हुआ, तो एक समय के लिए गमन हुआ तो जंगम और फिर स्थावर। तो ये कह रहे हैं, तो इसी प्रकार लोक के सभी चराचर, इसको यूं भी बोल सकते हैं, मन स्थावर जंगम, मन लो तीन काल और तीन लोक के, इसका मतलब ना तो कोई कालवाची, मन तीन काल में कोई काल ऐसा नहीं, और तीन लोक में लोक का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं। आ गया, और अलोक भी आ गया उसमें हो तो, तीन काल तीन लोक के स्थावर जंगम स्वरूप समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक समय में जानने में समर्थ, सकल विमल अर्थात सर्वता निर्मल, केवल ज्ञान रूप से अवस्थित होने से आत्मा निर्मूल है। ये पर्याय की अपेक्षा से अर्थ क्या, ऐसा केवल ज्ञान रूप से अवस्थित होने से आत्मा निर्मूल है। अब भगवान केवल ही परमात्मा को कोई मूढ़ता नहीं है, कोई पदार्थ उनको जानना बाकी बच गया था, अरे ये तो मुझे खबर ही नहीं थी, ऐसा भी होता है, ऐसा कुछ उनके ज्ञान में नहीं है। उनके ज्ञान में विस्मय नहीं होता, उनको कोई आश्चर्य नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारा विश्व त्रिकाल और त्रिलोकवर्ती, विश्व के सभी स्थावर जंगम पदार्थ अपने द्रव्य अपने गुण अपनी पर्याय और आगे बढ़ो तो अविभागी प्रतिच्छेद सहित केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में ज्ञात होते हैं। आ गया वस्तु का, देखो केवल ज्ञान पदार्थ को जानने के लिए पदार्थ में नहीं जाता, और पदार्थ केवल ज्ञान में जन्माने के लिए मैंने ज्ञात होने के लिए केवल ज्ञान में नहीं आते। पदार्थ का प्रमेयत्वपना और केवल ज्ञान का प्रमाणपना, इसका ऐसा संबंध है कि केवल ज्ञान अपने में रह करके अपने असंख्यात प्रदेशों में रह करके सारे विश्व के चराचर पदार्थों को, त्रिकालवर्ती तीन लोकवर्ती पदार्थों को द्रव्य गुण पर्याय सहित एक समय में, सबसे बड़ी बात एक समय में, क्यों? क्योंकि एक समय में अगर नहीं जाने तो फिर वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता। सर्वज्ञ, ज्ञ माने जानना, सर्व माने सबका, है ना। और उसके लिए भी समय सार में जो सर्वज्ञत्व शक्ति की व्याख्या की कि ये सबका जानना वास्तव में आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। सबका जानना है ना, उन सबका जानना नहीं, अपने आत्मा की ज्ञान की पर्याय में वो सब ज्ञान पर्याय रूप से जानने में आते हैं, माने ज्ञान की पर्याय में उस प्रकार की रचना है सारी की सारी। तो भी सद्भूत व्यवहार ने इसे बोला ज्ञान की पर्याय में ऐसी रचना होती है, फिर भी बोला जाता है व्यवहार से, सारे लोकालोक को जानता है। और ये है कि ऐसा कोई माने ज्ञान की पर्याय में सब रचना होती है तो उसमें कोई लोकालोक का पदार्थ ऐसा नहीं कि जिसके संबंध में ज्ञान नहीं जानता हो, और एक समय से अधिक लगे ऐसा कभी होता हो, ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। आ गया, क्रम नहीं टूटता ना, हर समय केवल ज्ञान की पर्याय हो रही है और हर समय वो सारा विश्व उसको जानने में आ रहा है। विश्व का प्रमेयत्वपना, देखो इसमें भी कितनी गजब की विचित्रता है कि हर पदार्थ में प्रमेयत्व नाम का गुण, और प्रमेयत्व गुण द्रव्य में व्यापक, द्रव्य के प्रत्येक गुण में व्यापक, माने सब में प्रमेयपना, प्रमेयपने का रूप, और द्रव्य के एक हर गुण की एक एक समय की पर्याय में प्रमेयत्वपना, प्रमेय का रूप, और एक एक पर्याय के एक एक अविभागी प्रतिच्छेद में प्रमेयत्व का रूप। इधर ऐसी व्यवस्था और इधर ज्ञान में ऐसी व्यवस्था, ज्ञान में प्रमाण शक्ति, आ गया।
तो इस तरह वो जानना होता है। और जैसा केवल ज्ञानी के ज्ञान में, केवल ज्ञान में जानने में आया, वैसा ही विश्व का परिणमन होता है। केवल ज्ञानी ने जाना इसलिए नहीं, और विश्व में होना है इसलिए केवल ज्ञानी ने जाना, ऐसा नहीं। दोनों स्वतंत्र, केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान केवल ज्ञान में रहा, और विश्व के पदार्थों का द्रव्यगुण पर्याय स्वरूप विश्व के एक एक पदार्थ में अपना अपना रहा। पदार्थ का स्वरूप केवल ज्ञान में नहीं, केवल ज्ञान का पदार्थ में नहीं। और फिर भी कैसी विचित्रता है कि विश्व में कोई पदार्थ ऐसा बाकी नहीं बचता कि जो केवल ज्ञान के ज्ञान में जानने में नहीं आया, या किसी केवली को जानने में आया और किसी केवली को जानने में नहीं आया। छुपा नहीं, क्यों? उसका स्वरूप ही है, उसमें ये योग्यता उस पदार्थ में पड़ी है कि वो किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, है ना। और ज्ञान में वो योग्यता पड़ी है कि जगत में जो ज्ञेय हो उसे जाने। गुरुदेव श्री बोलते ज्ञान है, जानने का उसका स्वभाव है, तो किसे नहीं जानेगा। जगत में जो जो भी ज्ञेय होगा उसको जानेगा, लेकिन अपने को महिमा किसकी आती? पर ज्ञेय को जानने की महिमा तो आती है। केवल ज्ञानी तीन काल तीन लोक को जानते हैं, एक समय में जानते हैं, लेकिन भाई साहब वो स्वज्ञेय को पहले जानते हैं, स्वज्ञेय के जानने पूर्वक उनका ये सारा लोकालोक संबंधी का ज्ञान होता है। सच में वो ज्ञान सच में तो आत्मज्ञान है, लेकिन ऐसा बोला तो उसको बोला व्यवहार नए से ऐसा है इसलिए आत्मा कैसा है, तो वो कहते हैं निर्मूढ़ है। अब बोलो क्या मूढ़ता रहेगी उसको, हुँ? अब देखो फिर और आगे देखो, समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे निज शुद्ध अंत तत्व रूप महादुर्ग में अर्थात किले में निवास करने से आत्मा निर्भय है। क्या मतलब? कि जैसे कोई आदमी, कोई राजा हो, राजा पुराने जमाने में राजा होते, अब उनने ऐसा किला बनाया कर उस पर अगर घन घन पड़े घन, है ना, तो वो घन पड़े तो भी उस महल को कोई क्षति नहीं पहुंचती। अब इतने में कोई उस राजा से आके कहे कि राजा साहब अपनी सुरक्षा का इंतजाम कर लो, क्यों? क्योंकि शत्रु ने तोपें लगा रखी है, तोपें चालू करने वाला है वो, तो राजा क्या कहेगा? जा खेल खेल। क्यों खेल? कोई डर नहीं है। अरे भैया हम ऐसे महल में निवास करते हैं कि तोप की बात तो छोड़ो, यदि घन के प्रहार हो तो भी इस महल की कोई क्षति होने वाली नहीं है। तो इसी तरह यहां पे आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा कैसा है कि देखो इधर सामने है शत्रुओं की सेना। कौन से शत्रुओं की सेना? तो उन्होंने कहा समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना। पाप भी ऐसा नहीं है, पाप माने वही पाप रूपी शत्रु माने पुण्य पाप, वो तो लगा ही लेना नियम सार में, वो पूछना ही नहीं। उसकी सेना भी कैसी है कि शूरवीर माने बहुत से तो ऐसे शूरवीर हैं। मैं भी शत्रु की सूरवीरता की चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद उसकी परम तत्व की चर्चा करेंगे कि ये पाप भी इतना सूरवीर है कि बहुत से लोग तो पाप से ही अपने को सूरवीर मानते हैं। देखो हमने इतना किया, हाँ हमने ऐसा किया, हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, ना उस पाप मतलब कितना पाप भी कितना सूरवीर है, ताकतवर है, तो उसे मजा थोड़ा आगे बढ़ा धर्म के क्षेत्र में आया तो पुण्य में फंस गया। मतलब अनादि काल से पुण्य में और पाप में इसी में उलझा हुआ। 24 घंटे का दिन होता है अपना, अब उसमें कैलकुलेशन लगाओ 24 घंटे में से कितने घंटे तो पाप में गए, और एक आध घंटे वो भी टाइम से आ जाओ एक तो कितने क्या है अपने कहां है अपना क्या है वो उसमें भी कितना उपयोग देकर के अपन सुनते हैं समझते हैं, सोचो जरा कितना है। अभी गुरुदेव बोलते थे धर्म तो दूर
पुण्य ना ठिकाना नथी। धर्म तो बहुत दूर हो गया अभी, अभी तो पुण्य किसे बोलते थे? वो नहीं बोलते कि तुम गाय को चारा डालो, फलाना करो, हॉस्पिटल खुला लो, ये खुला लो, वो खुला लो, वो नहीं। वो बोलते थे दो चार घंटे सत समागम करे, सत श्रवण करे तो किंचित पुण्य भी हो, ये इसको पुण्य बोलते थे। सत समागम करे और कम नहीं बोलते, दो चार घंटे ये बोलते थे सीधा, ये नहीं है ना। फिर वो पूरा कैलकुलेशन, चार छह घंटे सोने में जाते हैं, छह आठ घंटे व्यापार में जाते हैं, दो चार घंटे घर परिवार को प्रसन्न रखने में जाते हैं, एक आध घंटा मुश्किल से मिले और वहां जाए सुनने, तो कुगुरु इसका एक घंटा भी लूट लेता है। समझ में आया कि नहीं है? अभी सोचो जरा कि पाप और पुण्य ये सूरवीर है। मैंने अभी तो जीवों को पाप से बचना मुश्किल, पहले तो ये समझ लिया, इतना पाप भी इतना ताकतवर है, बहुत जोर लगेगा तब तो जीव पाप से बचेगा। वीतरागी देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में आएगा, और यहां आ गया तो भी यहां आकर के यहां भी अटक जाएगा, तो ये भी कितना सूरवीर है कि तेरे को आगे नहीं बढ़ने देता, कि तू बेटा जा कैसे बढ़ता है मैं भी देखता हूं। फिर सूरवीर क्या करता है, आपको क्या करता है सूरवीर? जो ताकतवर होगा वो क्या करेगा, देखे बढ़ कैसे बढ़ता आगे मैं देखता हूं। तो पहले तो अपने को पाप ही आगे नहीं बढ़ने देता, पाप ही आगे नहीं बढ़ने देगा, और अब पाप आगे नहीं बढ़ने देगा, और ये अगर थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा पुण्य में लग गए, तो खुद को भी मिठास और दुनिया वाले भी कहेंगे वाह वाह धर्म शिरोमणि। तो पुण्य आगे नहीं बढ़ने देगा, हाँ वो होगा कि नहीं होगा, सब दुनिया प्रशंसा करेगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई साहब ये समस्त पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना है। और एक प्रकार सेना क्यों कहा कि सेना माने एक आदमी, एक व्यक्ति, उसका नाम सेना होता है कि बहुतों का समुदाय का नाम सेना होता है। तो ये पुण्य पाप के परिणाम बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के पाप और अनेक प्रकार के पुण्य। सोचो जरा क्या है, सत्य बात कान में पढ़ना मुश्किल है अभी तो, सत्य बात कान में पढ़ना, परिणमन तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए, तो कान में नहीं पड़े सत्य बात तो विचार कब करे। कान में पड़े तो विचार करे ना, नहीं तो विचार करो जरा सा, बहुत मैंने अपने को इस योग की दुर्लभता ख्याल में नहीं आती है कि ये जो जिनवाणी और गुरुदेव की वाणी, समझ में आ गया ना, ये इसकी दुर्लभता अपने को ख्याल में नहीं आती है कि जिनवाणी अपने को सुनने को मिल रही है, गुरुदेव की वाणी अपने को सुनने को मिल रही है, कितना दुर्लभ योग है ये। अपने मुमुक्षु कहलाने वाले कितने लोग आते हैं, गप्पे लगाते रहेंगे बाहर वाले बैठ के, किनको भाव आता है, समझ आ गया। तो एक पहली बात तो अभी पाप से हटना मुश्किल जीव का, और पाप से हट गया और कदाचित यहां आया तो यहां भी अटकने का अवसर है। मतलब तीव्र पुरुषार्थी होगा जो यहां से भी हट करके इस तत्व ज्ञान का जो वाच्यभूत शुद्धात्मा है, अपन किसकी चर्चा कर रहे हैं अभी, शुद्धात्मा की चर्चा कर रहे हैं, तो शुद्धात्मा की चर्चा शुभ भाव के काल में सुनने को मिलती है, ये समझ लेना। पंडित टोडरमल जी ने भूषण प्रकाश में लिखा, तीव्र कसाई पुरुषार्थ करे तो पाप ही का करे, कि वो तो पाप का ही पुरुषार्थ करेगा, ये चर्चा सुनने को मिल रही है ये पुण्य भाव, सुन रहे हैं रुचि से अगर अपन तो ये पुण्य भाव, ठीक है। और इस पुण्य भाव में चर्चा सुनने को मिल सकती है, आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती, आत्मा की अनुभूति तो यहां से भी लक्ष्य छोड़कर जब आप अंतर्मुख होगा तब आत्मा की अनुभूति होगी भैया। इसलिए कहा कि सूरवीर शत्रुओं की सेना, सूरवीर है वो ऐसे नहीं है
कि तुमने ऐसे कहा चल तो वो चल दिए, ऐसे नहीं है। तुमको बहुत धक्के मारेंगे, पहले तो पाप फंसाएगा और कदाचित जैसे तैसे करके पाप से बच गए तो पुण्य फंसाएगा, है ना। और पुण्य के पास तो बहुत सारे है ना, बहुत सारे दिखाने के मैंने है ना, पुण्य का फल अच्छा अच्छा अनुकूल फल ये मिला वो मिला, ख्याल में आगे कि नहीं आ गया, तो वो सब। इसलिए उन्होंने कहा कि पाप रूपी शूरवीर शत्रुओं की सेना, ये तो सेना है। अब आत्मा कैसा है, कि आत्मा इससे भी पावरफुल है। कैसा, कि जिसमें प्रवेश नहीं कर सकते है, बहुत शूरवीर है, लेकिन जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि उससे भी ज्यादा पावरफुल कौन है, तो आत्मा स्वभाव उससे ज्यादा पावरफुल है। तो ठीक है, कितने पुण्य पाप के परिणाम हो, भगवान आत्मा के दुर्ग में प्रवेश नहीं करते हो, ऐसा तत्व है, नहीं कर सकती। ऐसे बस यहां से गजब देखो, निज शुद्ध अंत तत्व रूप महादुर्ग में अर्थात किले में निवास करने से, कहां निवास करता है आत्मा, कि जिसमें पुण्य पाप की सेना, पुण्य पाप की शूरवीर शत्रु सेना जिसमें प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसे ऐसे निज शुद्ध अंत तत्व रूप महादुर्ग में अर्थात किले में, अलंकार अलंकार किया है, किले में निवास करने से आत्मा निर्भय है। अब किसका भय हो आत्मा को, पुण्य पाप की अनेक वृत्तियां आई और गई, आया पुण्य पाप के अनेक फल संयोग रूप में आए और गए, पुण्य पाप के अनेक कर्म आए और गए, भगवान आत्मा का क्या बिगड़ा। पुण्य के फल में इस आत्मा ने नौवें ग्रेवे का भाव देखा और मिथ्यात्व रूप पाप के फल में निगोद का भाव देखा, अशुभ भाव रूप पाप के फल में नरक का भाव देखा, ये सब भवों की संतति हुई, पुण्य पाप के फल में हुई। लेकिन उस ध्रुव तत्व में क्या हुआ ये बताओ पहले तो, बस ये सब नाटक हुआ। नाटक इसका अर्थ होता है जो टिके नहीं, उसका नाम है नाटक, होता है कि नहीं, टिके नहीं उसका नाम नाटक। तो ये सब नहीं टिकने वाले आए और चले गए, आए और चले गए, आए और चले गए, और भगवान आत्मा कैसा रहा, कि ये अनेक आए और चले गए, लेकिन भगवान आत्मा तो जैसा है वैसा है। जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के ऊपर अनेक लहरें चलती है और मिटती है, चलती है मिटती है, चलती है और मिटती है, लेकिन समुद्र अपने स्थिर स्वभाव में ज्यों का त्यों जैसा का तैसा बना रहता है। इसी तरह ये शुभ अशुभ भाव की लहरें ऊपर ऊपर चली, लेकिन भगवान आत्मा रूपी समुद्र में इनका प्रवेश नहीं हुआ। ये लहरें आई और गई, आई और गई, आई और गई, समुद्र न आया और न गया, आया। ऐसा नित्य ध्रुव तत्व है कि जिसके अंदर ये अंत तत्व के अंदर ये सारी पाप रूपी शत्रुओं की सेना प्रवेश नहीं कर सकती। दुर्ग है, दुर्ग में विराजमान है, किले में बैठा है, है? हाँ, कौन उसका, और वो उस किले को कौन भेदन करे। ऐसा यह आत्मा वास्तव में उपादेय है, क्या शब्द का प्रयोग किया, ऐसा यह आत्मा। अब कैसा, वो सारे बोल नो बोल लगेंगे, आ गया, ऐसा यह आत्मा वास्तव में उपादेय है। उपादेय का मतलब क्या, आश्रय योग्य है। उपादेय के दो अर्थ होते हैं ना, एक होता है प्रकट योग्य और एक होता है आश्रय योग्य। यहां प्रकट की बात नहीं है, आश्रय योग्य है। इसका आश्रय करने पर जो प्रकट होना होगा हो जाएगा, प्रकट क्या होगा उसकी ओर नहीं देखता। अब देखो, जिस जो आत्मा का आश्रय करता है ना, तो उसे आत्मा का वो अद्भुत खजाना मिलता है कि पर्याय में क्या प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, श्रावक दशा हो गई, मुनि दशा हो गई, श्रेणी हो गई, केवल ज्ञान हो गई, हो गया सिद्ध दशा हो गई, कि इन दशाओं को देखने के लिए वो नहीं टिकता। क्यों, क्योंकि उसके उसको वो देखने का स्थान मिल गया, वो दृष्टा मिल गया जो कभी खिसकने वाला नहीं। इन पर्यायों को देखेगा तो पर्याय तो खिसक गई, एक समय का जीवन लेके आइए, एक समय के जीवन के बाद वो तो खिसकने वाली है,
उसको क्या देखना, उसको देखने लायक है क्या वहां पे कि उसको देखे, आ गया। तो इस तरह ये 43 नंबर की गाथा में आचार्य देव ने भगवान आत्मा कैसा है और कैसा नहीं है इस तरह ये सारी चर्चा की। अब इसी प्रकार श्री योगिंद्र देव कृत अमृता स्थिति, अमृता स्थिति योगिंद्र देव का एक ग्रंथ है, जैसे परमात्म प्रकाश है, जैसे योगसार है, ऐसे एक अमृता स्थिति नाम का एक ग्रंथ है, उसके 50वें श्लोक द्वारा कहा है कि क्या कहा अच्छा हाँ हाँ 57वें श्लोक द्वारा कहा है कि क्या कहा 57वें श्लोक में जरा देखो, आत्म तत्व स्वर समूह विसर्ग और व्यंजन आदि अक्षरों रहित। स्वर व्यंजन विसर्ग इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, आत्मा में आत्मा शब्द नहीं है और आत्मा शब्द में आत्मा नहीं, वो तो एक वाचक वाच्य नियोग है, लेकिन शब्द में आत्मा है क्या नहीं, नहीं है ना, और आत्मा में शब्द है, आत्मा में शब्द नहीं है और शब्द में आत्मा नहीं है। जैसे दवा होती है ना, दवा की शीशी पर लिखा रहता है उस दवा का नाम, तो उस पर्ची पर जो नाम लिखा, जिस पर नाम लिखा रहता है उसमें दवा नहीं है और दवा में पर्ची नहीं है, है दवा में पर्ची है, और डॉक्टर कहेगा फलानी दवा ले लेना, तो अपन क्या करते हैं, पर्ची खाते हैं कि दवा खाते हैं, पर्ची खाते हैं कि दवा खाते हैं, अपन लोग दवा खाते हैं, वहां नहीं गलती करेंगे, वहां मरने का डर लगता है ना, अगर कोई भी गलती की तो मरेंगे, यहां क्या फर्क पड़ता है, धर्म क्षेत्र में क्या फर्क पड़ता है, विचार ही नहीं, हाँ तो एक जन्म के लिए कितनी चिंता और जन्म जन्म के लिए कोई चिंता नहीं, जन्म अनंत जन्म मरण का चक्र है उसकी कोई चिंता नहीं, उसके लिए कोई चिंता नहीं, और एक जन्म के लिए कितनी सावधानी कि डॉक्टर ने कहा कि ये दवा खाना तो दवा की शीशी लाया, तो ऐसा तो नहीं करता ना कि वो जो उसमें क्या था, वो तो लिक्विड था, वो तो मैंने फेंक दिया, और जो पर्ची थी जिसने जो पर्ची पे आपने नाम लिखा था बिल्कुल मैंने नाम एक अक्षर से अक्षर मिलाया, स्पेलिंग कोई गलती नहीं थी, मैंने उस पर्ची को उखाला और खा गया, ऐसा करते क्या है वो कि भाई साहब वो वाचक है, अगर वो नाम हम नहीं लिखते उस पर्ची पर, उस शीशी पर वो पर्ची नहीं लगाते तो सारी शीशियों की दवा तुम्हें एक जैसी दिखती, तो तुम्हें क्या लेना है, तो ये वाचक वाच्य नहीं हो गया, हम शब्द को पकड़ते हैं, आचार्य कहते हैं आत्मा में शब्द ही नहीं, आत्मा शब्द से रहित है, स्वर व्यंजन विसर्ग आदि अक्षरों से रहित एक बात, तथा फिर आगे क्या लिखा देखो, तथा संख्या रहित है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ जीरो और उसके बाद सारी उसके जोड़ से बनने वाली संख्या, कि इनसे रहित है अर्थात अक्षर और अंक का आत्म तत्व में प्रवेश नहीं है। आगे आगे देखो, अहित रहित है, वाह गजब बात, क्या कह रहे हैं, आत्मा तो अहित रहित है, अब तू इस बात को स्वीकार नहीं करके अपना अहित करे तो हम क्या करें, आत्मा में ऐसा कोई धर्म नहीं, आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं जो आत्मा का अहित करे, अहित रहित है, अर्थात रहित है, इसको अस्थि से बोलो तो हित स्वरूप है, अहित रहित है, अब इसको अस्थि से बोलो हित स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, मंगलमय है, शिव स्वरूप है, जो मंगलमय है तो मंगल करेगा, शिव स्वरूप है तो शिवकार है, हित कर है, हित स्वरूप है तो हित कर है, अहित रहित है, कैसा आत्मा देखो गजब, अहित रहित है, फिर आगे क्या कहा देखो, फिर और अच्छा, फिर क्या कहा, शाश्वत है, कभी मिटेगा कोई मिटा देगा, सात प्रकार के भय यानी को नहीं होते, समय सार के निर्जराधिकार के निशंकित अंग में पढ़ो कि तीन लोक में प्रलय हो जाए ऐसी कोई परिस्थिति बाहर में उत्पन्न हो यानी चलायमान नहीं होता, क्यों तो शाश्वत, मेरा क्या बिगड़ेगा, ये शरीर छूट गया तो दूसरा मिलेगा और नहीं मिलेगा तो और अच्छा है,
ज्ञानी को क्या, मुनिराज क्या होते, समाधि लेते हैं तो समाधि में समझाते हैं कि देख भाई तू घबराता क्यों है, ये मेला कुचेला गला सड़ा शरीर, अब ये तो अगर ये तेरे को ये तेरा चला जाएगा तो तेरा क्या गया, तो तेरे को तो बढ़िया शरीर मिलेगा, ऐसा नहीं मिला तो नहीं मिला तो और अच्छा है, तो जिसे शरीर नहीं होता वो कौन होते हैं, तो दोनों आदमी लड्डू एक नहीं हुए, इससे बढ़िया मिलेगा, मिला तो इससे बढ़िया मिलेगा, नहीं मिला तो सिद्ध दशा होगी, तो क्यों इस सड़े गले शरीर के लिए चिंता करता है। मृत्यु महोत्सव अपने आप एक पाठ है, समाधि ये अपना है ना रत्नकंठ श्राव का चार सदाशुदास जी की टीका है, उसमें समाधि मरण का जहां प्रकरण है तो वहां पे उन्होंने एक मृत्यु महोत्सव पाठ बनाया है, पूरा संस्कृत का है, और उसके अलावा जो बड़ा सूरदास जी का जो समाधि मरण पाठ है उसमें भी ये बात है, और बहुत अच्छे से उनने वो समझाया है। तो कहते भाई तू शाश्वत है, शरीर तो वैसे ही अनंत पुद्गल परमाणुओं से मिलके बना है, ये तो एक संयोग है, इतने दिन साथ रहे इसका आश्चर्य करो, वियोग होने का क्या आश्चर्य करते हो, हम लोग क्या करते हैं वियोग, अरे अभी तो मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले तो मैंने बात की थी, मैंने कहा क्यों तुम बात करो उसके एक आध महीने बाद मरना चाहिए उसे, क्या मतलब चाहते क्या हो, अभी तो मैंने बात की थी, अभी तो मैंने देखा था भले चंगे थे, तुमने क्या चाहते, मैंने कहा सड़ गल के मेरे, चलते फिरते कोई चला जाए तो तकलीफ है क्या, जागृत भाव से कोई चला जाए तो तकलीफ है क्या, विचार करो क्यों, ज्ञानी को कोई तकलीफ नहीं, क्यों नहीं, वो जानते हैं कि शाश्वत है, जो मैं हूं वो मरता नहीं, और जो जिसको तुम मरना कहते हो वो तो पहले से मरा हुआ है, ये शरीर तो पहले से मुर्दा है, मुर्दा क्या मरेगा, और आत्मा कभी मरता नहीं, तो तुम चिंता किस बात की, वाया इतना बल, इसका नाम यहां से समाधि का बीज यहां से पड़ता है ना, अब अंदर में तो कांप रहा है और समाधि मरण का पाठ सुन रहा है, दिन रात मेरी स्वामी भावनाएं भावूं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, और अंदर से कप कपी चल गई, काय की समाधि है, देखो शाश्वत है। फिर कहा अंधकार तथा स्पर्श रस गंध और रूप रहित है, कुछ नहीं है उसमें, है ही नहीं पुद्गल पुद्गल कुछ नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वायु के अणुओं रहित है, ये है ही नहीं उसमें, बहुत से लोग मानते हैं ना ये पृथ्वी जल आकाश फलाना फलाना ये चार पे ये मिले और ये मिलकर के आत्मा बन जाता है, युगल जी साहब बहुत अच्छा इसका उदाहरण देते थे कि फिर तो ठीक है, फिर तो पुराने जमाने में चूल्हा चलता था ना, तो कहते देखो चूल्हे में अपने अग्नि लगाई तो अग्नि मिल गई, हाँ मिट्टी वो है ही, मिट्टी का चूल्हा है ही, है ना, आकाश वहां है ही, पानी है ही, फलाना है ही, तो फिर तुम दाल चढ़ाओ ना दाल तपेली में, उसमें से जीव निकलना चाहिए, कैसी कैसी कल्पनाएं लोग करते हैं कि आत्मा ऐसे बन जाता है, पंच तत्व में पंच तत्व का आत्मा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया कि अणुओं से रहित है तथा स्थूल दिक्चक्र अर्थात दिशाओं के समूह, उनसे भगवान आत्मा कैसा है, भगवान आत्मा उनसे रहित है, ये कौन कह रहे हैं, ये आचार्य योगिंद्र देव मुनिराज योगिंद्र देव ने जो अमृता स्थिति नाम का एक शास्त्र लिखा है उसके 57वें श्लोक में अमृता स्थिति के 57वें श्लोक में योगिंद्र देव मुनिराज ने ये बात कही है ना। अब अपने टीकाकार जो मुनिराज हैं तो वो भी टीकाकार मुनिराज 43वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए कितने श्लोक कहते हैं, 7 श्लोक कहते हैं, अब थोक में आएंगे श्लोक सारे है ना, किसी में 7 आएंगे किसी में 9 आएंगे, क्यों, क्योंकि 187 गाथा है और 311 श्लोक है, समय सार में 415 गाथा है, 278 कलश है, प्रवचन सार में 22 कलश है, केवल 275 गाथा है, इसमें बहुत है गजब है, हाँ बहुत गजब है। चलो ये पहला पढ़ देते हैं फिर खत्म करेंगे। जो समय सार अर्थात शुद्धात्मा दुष्ट पापों
के वन को छेदने का कुठार है। ये शब्द बहुत आएगा, कुठार है। कैसे? दुष्ट पापों के वन को, दुष्ट पापों, पापों बने बहुवचन, दुष्ट पापों, पापों क्या अर्थ हुआ? पुण्य और पाप। बस ये शैली ध्यान रखना, बार बार कहने की नहीं है, लेकिन नियम सार में पाप शब्द आने पर पुण्य और पाप दोनों आ गए। तो दुष्ट पापों के वन को छेदने का कुठार है। हां, जो दुष्ट कर्मों के पार को प्राप्त हुआ है, अर्थात जिसमें कर्मों, जिसने कर्मों का अंत किया है, जो पर परिणति से दूर है, जिसने राग रूपी समुद्र के पूर को नष्ट किया है। पूर माने होता है ज्वार, राग रूपी समुद्र का पूर माने राग रूपी समुद्र का ज्वार, उफनता हुआ समुद्र माने उफनता हुआ राग, कि उसको जिसने नष्ट किया है। अरे नदी की बाढ़ आवे तो आदमी जाने की हिम्मत नहीं करता, ये समुद्र की बाढ़ को नष्ट कर दिया, राग रूपी समुद्र की बाढ़ को नष्ट किया है। जिसने विविध विकारों का हनन कर दिया है, विविध विकार सब आ गए, पुण्य पाप राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ सब, जो सच्चे सुख सागर का नीर है, जल है उसका, सच्चे सुख सागर का जल है, और जिसने काम को अस्त किया है, ऐसा किया है, वह समय सार मेरी शीघ्र रक्षा करो। मुनिराज को ऐसी भावना, जब उन्होंने देखा कि ये तो दुर्ग है, ये तो किला है, ये तो सूरवीर शत्रु की सेना को नष्ट करने वाला ऐसा तत्व है, तो मुनिराज को भी भावना भाई, मुनिराज ने भी भावना भाई कि ऐसा समय सार मेरी शीघ्र रक्षा करो, अर्थात मेरे विभाव का अंत हो और मुझे पूर्णता की प्राप्ति हो। इस तरह एक भावना इस 62 नंबर के कलश में भाई है। आगे के कलश अपन देखते हैं। शूथ सरोपी अविनाशी